में सियासी कला थमने का नाम नहीं ले रही। आज दूसरे दिन भी दिल्ली दौरे पर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और कैप्टन अमरिंदर सिंह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कल उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। गृह मंत्री से जब मुलाकात हुई तो सीमा सुरक्षा पर काफी लंबी चर्चा चली थी, और आज जानकारी मिल रही है कि और भी मुलाकातें कैप्टन अमरिंदर सिंह की रहने वाली। पंजाब कांग्रेस को लेकर सोनिया गांधी से लंबी बैठक कल चली थी। कैबिनेट विस्तार को लेकर कुछ सामने हालांकि नहीं आया है। आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री से कैप्टन अमरिंदर सिंह चर्चा में किन बिंदुओं पर बात करते हैं। ये भी मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि पंजाब में चुनाव होने हैं। और रंजीता झा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं, ज्यादा अपडेट देंगी। रंजीता, कितने बजे ये मुलाकात होनी है और क्या अहम बिंदु हो सकते हैं? देखिए, दो दिनों के दिल्ली दौरे पर है पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। कल दो अहम मुलाकात उनकी थी, सोनिया गांधी और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री से शाम 6:30 बजे उनकी मुलाकात होनी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि लगातार पंजाब सरकार और कैप्टन ने भी पीएम को पत्र लिखा था। जीएसटी में जो पंजाब का जो शेयर है, पंजाब को जो केंद्र सरकार को पैसे देने हैं, उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुहार लगाई है कि वो पैसे दिए जाए ताकि पंजाब के विकास कार्यों में इस्तेमाल किए जाए, लेकिन उसको लेकर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जीएसटी को लेकर फैसला जो है वो जल्द लेने के लिए आज पीएम से मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। रंजीता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और आपने डिटेल विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किन विषयों पर चर्चा हो सकती है। पंजाब में सियासी उठापटक के बीच में हमने जानकारी आपको दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। इस बीच में गृह मंत्री से कल मुलाकात हुई थी, और अब आगे बढ़ते हैं और बात